और अभी मैं जा रही हूँ कुछ सामान बाहर लेने के लिए, और वहीं से सोच रही हूँ कि कुछ बढ़िया खाने पीने के लिए भी ले आऊँ, क्योंकि आज मेरा मन है कुछ बाहर का खाने का। सो लेट्स गो आउटसाइड, चलते हैं बाहर की तरफ। चप्पल निकाल दी। तो भाई मार्केट पहुँचते ही सबसे पहले मेरा काम था कि मार्केट से ही कुंडल परचेज़ करना, जो कि मुझे मॉम के लिए परचेज़ करने थे। एंड आज एक बात तो मैंने देख ली कि रात के टाइम पर मार्केट आना ना बहुत भारी भीड़ रहती है, और दो बार तो मैं ही बच गई कि एटलीस्ट बगल से बिल्कुल गाड़ियाँ निकली थी ना, तो मेरा हाथ तो दो दो बार बच चुका है। उसमें ऐसा लग रहा था कि मार ही देंगे हाथ में। बाय द वे फिर मैंने चूड़ी का ऑर्डर दिया, और यहाँ पर चूड़ी मुझे पसंद की नहीं मिली थी, तो अंकल कह रहे कि सुबह तक चूड़ी आ जाएगी तब ले लेना। और अब मैं जा रही हूँ कुछ डोसा लेने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सिंपल डोसा खाते हुए बिना प्याज का बिना कुछ का, तो प्लेन आलू का डोसा मुझे खाना था, तो मैं वही लेने गई वहाँ पे। तो डोसा बनने में टाइम लगा था अराउंड 5 to 10 मिनट्स, तो ले लिया, हम आ गए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह बज रहे हैं, सुबह के 6:30 है, और अभी अराउंड हम 2 घंटे में बांके बहरी टेम्पल पहुंच जाएंगे। और आज सुबह इतनी जल्दी निकलने का मकसद ये है कि बांके बहरी जी के दर्शन मिल सकें। और मैं आप सभी को बता दूं कि मई 2023 में मैंने बांके बहरी के दर्शन किए थे इसी टाइम पे लगभग, और इतना कोइंसिडेंस है ना कि उस टाइम पर भी जो थी तारीख सेम थी और समय सेम था, और आज भी है। एनीवेज तो अभी रास्ते में मैंने चिप्स खाया है, क्योंकि मेरा जो है ना हल्का सा जी मचला था कार में बैठने के बाद, तो मैंने सोचा लाओ चिप्स खा लिया चाय। तो चिप्स खाने के बाद में हम पियेंगे सबसे पहले कुल्लड़ वाली चाय, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने उस ढाबे पर चाय पी है, बहुत अच्छा ढाबा है, वृंदावन में जाते पड़ता है, मैं आपको उसका नाम बता दूंगी, वहाँ पे आपके जाके चाय पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया टी है वहाँ की, शिवा ढाबा है उसका नाम, आप वहाँ जाकर पी सकते हो चाय को, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। तो फटाफट से हम वहीं पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दी अपनी प्यारी फेमस कुल्लड़ वाली चाय। तो उसको पीने के बाद हम पहुँच रहे हैं सीधे वृंदावन, और ये हम आ चुके हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप यमुना जी, जय यमुना मैया की, ये हमारे कान्हा की अति प्रिय हैं। और यहाँ पर हमने जो है कार पार्क करने की जगह ढूंढ रहे थे, तो नंगे पैर हम चल दिए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है, कितनी भीड़ से सामना होता है। OMG, भीड़ बहुत है। मेरा जो थिक सेंस था कि आज सुबह भीड़ नहीं मिलेगी, वो भी गलत गया यहाँ पर, क्योंकि बहुत भीड़ थी। ठीक है, तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि दर्शन के हम तो अभिलाषी हैं बिहारी जी के, लेट्स सी क्या होता है। भीड़ में क्या ना, दर्शन नहीं करने दिए जाते, जल्दी जल्दी निकाल दिया जाता है, तो वही है बस। तो यहाँ से परचेस कर लूँगी मैं थोड़े से फूल, थोड़ा सा प्रसाद, और तब अंदर चलते हैं। तो चलिए आपको भी बिहारी जी का दर्शन कराऊँगा अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज मुझे लगता है कि कैमरा बंद करवा देते हैं वहाँ पर। तो फूल मैंने ले लिए हैं, और जैसा कि मैंने सोचा था कि कैमरा बंद करवा दिया था, फ़ोन छीन लिया था, तो व्लॉग नहीं बना पाई मंदिर का। बाकी आप बाहर से देखिए कितना सुंदर बिहारी जी का लग रहा है मंदिर, यहाँ पर फूल वगैरह सजाया गया था, बहुत शुभ दिन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। यहाँ पर बंदर बहुत परेशान कर रहे थे। एनीवेज हम आ चुके रेस्टोरेंट में, और यहाँ मैंने कर लिया है और डोसा ऑर्डर, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। यही है आज के ब्लॉग में। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग पसंद है तो लाइक करें। थैंक यू।